चलो हटाओ। ए गणपति, इनको पीछे आने के लिए कहो। आप डरिए मत सर, ये सभी लोग आपकी हिफाजत के लिए हैं सर। ऐसा है काम वैसा ही होगा सर, इसकी आदत डाल लीजिए। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, तब तो हम उप सचिव थे। अब क्या है सर, आप रोज इधर आ सकते हैं जब चाहे। आने की इच्छा तो होती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। अच्छा बताओ, यहाँ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? बांद्रा नगर जाएंगे सर। हाँ क्यों? उधर एक स्कूल फंक्शन में जाना है सर। स्कूल? सुनो, जब हम 5 साल के थे तब स्कूल गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए। सुनो, जब तक हम नहीं बुलाए कोई अंदर नहीं आएगा, सब यहीं पर खड़े रहना, समझ गए ना? चलो दो। ये लीजिए सर। साहब, साहब, हम मिनिस्टर बन गए हैं लेकिन शहर के लिए है। आपके लिए तो हम वही पुराना सिद्धिया है, आपका वफादार। अपना पैर दिखाइए। अरे साहब 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 साहब, अरे अरे साहब, आपके चरण आगे कीजिए, हमको छूना है। अरे साहब, अरे साहब साहब, बस हो गया, इतना ही हमारे लिए काफी है। साहब सिर्फ 5 साल के लिए बने हैं, शपथ के बाद ज्योतिषी ने मंदिर जाने के लिए कहा है, इसीलिए आपके पास आए हैं। क्योंकि साहब आप ही तो हमारे भगवान हैं। जय हो। चरण कहाँ? अरे सिर्फ 1 महीना लगेगा साहब, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। कुल मिलाकर 5 लोग हैं, उनमें से 2 लोग धर्म और न्याय की बात करते हैं, उनको मरने देते हैं। हमारे लिए तो 3 लोग काफी है, फैसला हमारे पक्ष में होगा। पावर अपने हाथ में आ गया है साहब, अब तो जो चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी से है। आपको और कुछ चाहिए तो बताइए ना। बिजिया रानी को लेकर आओ क्या साहब? बोलिए ना, बोलिए ना साहब, बोलिए साहब। मुझे जो चाहिए सिर्फ वो बता। वो मिला क्या? मिल गया वो? वो किधर है? बोलो, बोल, किधर है वो? बार खेती में मुझे भी हिस्सा दे दीजिए। तू बार बार यही कह रहा है, मुझे मालिक से एक बार पूछना पड़ेगा ना, तेरा काम हो जाएगा। तू अगले हफ्ते तक आ जाना। जी ठीक है। अरे मानिक। हाँ मालिक। धान की बोरी है ना? हाँ। जल्दी चढ़ाओ, राइस मिल लेकर जाओ और कटवा कर तुरंत आश्रम में उतरवा दो। हम लोग बस निकल ही रहे हैं मालिक। बच्चों के खाने का चावल है, देर मत करना वरना छोटे मालिक नाराज हो जाएंगे। नमस्ते मालिक। हाँ बोलिए। छोटे मालिक से मिलना था। अंदर घंटी की आवाज सुनाई दे रही है ना, मालिक पूजा कर रहे हैं, लेकिन काम तो बताइए। हम यहाँ छोटे मालिक से पानी के बारे में बात करने आए। अच्छा, उस बारे में बात करने आए हो? अच्छा पानी की समस्या को लेकर ये लोग आए हैं। नमस्कार। 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 गहने बेचकर धान का बीज लाया था, फसल उगने का समय आ रहा है, अब अगर ऐसा करेंगे तो हम कैसे जिएंगे? छोटे मालिक, पैदावार होती है तो काम नहीं, काम नहीं होता तो पैदावार होती है। अब ऐसे में वो लोग पानी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम लोग अब जिए या मर जाए आप ही बताइए। मालिक मालिक मालिक, हमें मुनाफा ना मिले ना सही,
पर हमारे बच्चे कैसे जिएंगे ये सोचकर मरे जा रहे हैं। अब अगर इस तरह से बीच में समस्या खड़ी होगी तो हम कैसे जिएंगे मालिक? मालिक, हमें पीने के लिए पानी तक नहीं है। आप सिर्फ हाँ करो, उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। मालिक, हम लोग दुनिया को खिलाते हैं और हम खुद भूखे हैं। अगर ऐसा ही चला तो हम कैसे जिएंगे? डैम पानी से भरा है और वो लोग कहते हैं कि पानी नहीं है। गरीबों को पानी नहीं देकर क्या वो लोग सुखी रहेंगे? क्या बताइए? चाहे कोई भी आकर कहे, एक बार बंद हो गया तो हो गया, नहीं खोलूंगा। अगर कोई भी आकर खोलने के लिए कहेगा तो यहाँ पर पानी की नहीं खून की नदी बहेगी। पानी मांगा तो आप खून दे रहे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। ऐ, ऐसी मस्ती किसी और के साथ करना, ये मस्ती नहीं है। किसी गर्भवती महिला को भूखों मारना और फसल को बिना पानी के मारना एक ही बात है। शांत हो जाओ। क्या पानी पानी कर रहे हो? पता है पानी कितना महंगा है? दूध मिल जाता है लेकिन पानी नहीं, पता नहीं है क्या? हवा और पानी पर सब लोगों का हक है, इसीलिए सभी जिंदा हैं। हवा पानी को रोकना गलत है। तू कौन है बीच में बोलने वाला? इस गांव में तू अभी अभी आया है, हमारे दादा परदादा पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं। चार पैसे बढ़ाकर तूने मजदूरी क्या दे दिया? इन्हें तू अपना आदमी समझ रहा है? ये पैसे से खरीदे हुए लोग नहीं है, अपनी समस्या के लिए आए हैं। ये तू नहीं समझेगा। सब कुछ समझता हूँ मैं। जब से तू इस गाँव में आया है यहाँ की समस्या बढ़ती ही जा रही है। तू कहता है मैं समस्या हूँ और ये कहता है मैं राहत हूँ, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, हम लोगों को पानी चाहिए, अगर खुद दे दोगे तो इज्जत रह जाएगी। किससे बात कर रहा है, पता नहीं है क्या? जना नहीं, जना नहीं। अरे देखो साहब आ गए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताओ कैसे हो सब लोग? आजकल पानी के लिए हाहाकार मचाने का फैशन सा बन गया है, यानी कहाँ जाकर खत्म होगी। हाँ हाँ नमस्ते। अरे जरा शांति रखो। अच्छा शंकर पांडे, दोनों तरफ न्याय है। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है तू? मैं तेरी बात क्यों सुनूं? पानी कम है इसलिए नहीं छोड़ रहा। तू कौन होता है बात कहने वाला? तेरे लिए जो राष्ट्रपति है वही हमारे लिए भी है, तेरा जो मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री हमारा भी है। अगर उन्होंने ना कह दिया तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तब तक। जना ये सब क्या है बेटा? सुनो, बात करके समझौता कर लेते हैं, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाते हो? इन्हें देखो, ये सब लोग कौन हैं? हमारे गांव के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं। अगर इनको भी पानी नहीं देंगे तो किसको देंगे? मिनिस्टर से बात करके सब ठीक कर लूंगा, पहले पानी छुड़वाने का इंतजाम करो। ए, देख क्या रहे हो, पानी छोड़ो। हाँ धन्यवाद कहना चाहता था, उससे पहले ही चले गए। ऐसे थोड़े ना गए हैं, हम सबको पानी देकर गए।